हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विथ अनदर प्लान एंड अनदर वीडियो। एक नए डिमांडिंग प्लान के साथ मैं हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कमेंट आया है हमारे व्यूवर को, व्यूवर का राज सिंह जी, जो कि 12 आवर है वो, यानी कि 12 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया था। तो इनका कमेंट है, प्लीज़ प्रोवाइड हाउस प्लान 37x40 square feet विथ अ शॉप। इनका कहने का मतलब है कि मुझे एक प्लान चाहिए प्रोवाइड कराया जाए जो कि 37 फीट बाई 40 फीट का स्क्वायर फीट प्लॉट है, उसमें इनके एक शॉप चाहिए। तो राज सिंह जी, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ के बात करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका जो डिमांड था उसके ऊपर मैंने एक प्लान बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लान का वक्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 फीट, जैसा कि कमेंट में था, बाई 40 फीट का ये प्लॉट है, जिसके अंदर मैंने एक शॉप भी दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार पोर्च वगैरह, अगर आपका एक्स्ट्रा प्लॉट है तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लॉट है, एक्स्ट्रा ज़मीन है वहाँ पे, तो यहाँ पे 15 फीट बाई 10 फीट का कार पोर्च मैंने दिया है। यहाँ पे 2 पाइल भी दिए हैं, और यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं मेन डोर है, यहाँ पे बरांडा जो कि 14 फीट बाई 11 फीट का है। अभी मैं लग रहा है थोड़ा सा डाउट, तो मैं इसे 14 फीट 6 इंच का है, ठीक है, तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, 14 फीट 6 इंचेस का है आपका बरांडा है बाई 11 फीट, ठीक है। तो ये सारा चीज ओके है, तो ये आपका बरांडा हो गया मेन फेस। आप चाहे तो इसे ड्राइंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जो शॉप है, यहाँ पे रोलिंग शटर लगा हुआ है, यहाँ से अंदर से भी इसका एंट्रेंस है, जो कि शॉप का डायमेंशन आप देख सकते हैं 13 फीट बाई 10 फीट का है, 10 फीट 11 फीट होना चाहिए क्योंकि सबका साइज सेम है, तो ये 11 फीट हो जाएगा। एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं करेक्ट करके देखता हूँ कि ये क्या आ रहा है डायमेंशन, 10 फीट ही है, तो मुझे लगता है ये सारे भी 10 फीट होंगे, तो इसे भी करेक्ट कर दिया जाए। इसे मैं 10 फीट कर दिया। किचन का भी डायमेंशन मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे साउथ फेसिंग ये प्लॉट है, तो ये मैं देख रहा हूँ साउथ फेसिंग प्लॉट है, तो इसका जो डायमेंशन है 7 फीट बाई 10 फीट का है, ठीक है। तो ये आपको ईस्ट और साउथ कॉर्नर पे ये किचन बना हुआ है जो कि 7 फीट बाई 10 फीट का है। यहाँ अंदर आगे बढ़ेंगे तो आपको डाइनिंग और लिविंग एरिया मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा है, 22 फीट बाई 16 फीट का ये आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन में इससे एंट्रेंस है, यहाँ पे स्टेयर केस का मैं डायमेंशन आपको बता दूँ, स्टेयर केस का जो आपका डायमेंशन है वो आपको मैं सामने दिखा देता हूँ, 13 फीट 10 इंच बाई 13 फीट 10 इंच बाई, ये जो है आपका एरिया हो गया, सॉरी 10 फीट 4 इंचेस। फिर यहाँ स्टेयर के अंदर से ही आपको 13 फीट बाई 5 फीट 4 इंचेस का एक कॉमन टॉयलेट मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है एक फैमिली के लिए। स्टेयर केस दे सकते हैं यहाँ से ऐसे जा करके, कुछ इस तरफ से एरो देख करके आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये मूव करेगा स्टेयर, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टेयर उसको बनाया गया। बीच में आप चाहे तो इन फ्यूचर आप लिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ यूटिलाइजेशन यूटिलिटी एरिया कुछ भी आप अपना एंटरटेनमेंट जोन कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, स्टोर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिडिल में एक 8 फीट बाई 7 फीट का एक पूजा रूम मिलेगा, तो मुझे लगता है कि इसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसे करेक्ट कर दे रहा हूँ, ये 6 फीट है, 8 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का एक पूजा रूम है। फिर यहाँ से एक फर्स्ट बेडरूम है जो कि 13 फीट बाई 11 फीट है, काफ़ी अच्छा डायमेंशन यहाँ पे। विंडो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको कलर मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक और बेडरूम है, सेकेंड बेडरूम, जो कि 13 फीट बाई 11 फीट का है, यहाँ पे भी 2 विंडो लगे हुए हैं।
वेंटिलेशन आप दे सकते हैं उस केस में जब आपके प्लॉट के अलावा, इस बिल्डअप एरिया के अलावा चारों तरफ आपका ज़मीन हो। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर ज़मीन एग्जिस्टिंग प्लॉट ही अगर आपका 37x42 का है तो इसमें आपका कुछ डायमेंशंस को कम करने पड़ेंगे, तब जाके इस तरह का प्लान बना पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम का जो पोजीशन है वो मैंने आपका पूरे दिख रहा हो, एक कॉलम कितने दिए गए यहाँ पे, चार कॉलम यहाँ पे, चार कॉलम, एक कॉलम यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है, और इस तरह से कॉलम आप दे सकते हैं। ठीक है, सारे कॉलम का जो डायमेंशन है वो आपको 10x10 है और उसमें 12 mm के 6 सरिया आप लगा दीजिए, आपका कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्लान है राज सिंह जी, आप देख सकते हैं चैनल पे आपने कमेंट किया और इसके ऊपर हम लोग मेहनत करके ये प्लान बना दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग फ्रंट एलिवेशन पे आएंगे, यहाँ पे कार पोर्च जो है आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कार पोर्च, उसको उसका ये फ्रंट, ये दोनों पाइल पिलर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयर दिए गए, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे रोलिंग शटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका किचन का विंडो दिखा है, यहाँ पे आपका बरांडा है, इसका ये जो है बरांडा पूरा ओपन है, आप चाहे तो इसमें कुछ लगा भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने ओपन दिखाया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, इसलिए यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग एरिया का, लिविंग और डाइनिंग एरिया हॉल का यहाँ पे एंट्रेंस है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेयरकेस हो गया, तो ये खूबसूरत सा एक एलिवेशन है जो कि निकल करके आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का प्लान आपको और मिलते रहे हमारे इस चैनल पे, और आप जो भी नए व्यूअर इस चैनल पे आए हैं उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाई जाती है। तो इसी तरह का होप, आई होप आप लोग का प्यार मिलता रहे और हम लोग आपके लिए ये ऐसा इस तरह का प्लान बनाते रहें। तो इस अगर ये प्लान आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो उस पर हम लोग और मेहनत करेंगे और भी अच्छे तरह से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।